सारे प्यार भरी सत श्रीकाल, स्वागत है तुहाडा सारे दा पंजाबी कुकिंग चैनल दे विच। अज दे वीडियो दे विच आपां बेसन दा दाणेदार मिल्क केक बना के तैयार करांगे। इहनूं तुसीं बेसन दी दाणेदार बर्फी भी कह सकते हो, बेसन दा दाणेदार मिल्क केक भी कह सकते हो। बहुत वधिया बन के तैयार होगा। इहनूं बनाउण लई 2 कौलियां बरीक बेसन लिया आ। घर दे विच तुहाडे कोल जिहड़ा भी बेसन होवे तुसीं उस बेसन दे नाल इहनूं बना सकते हो। ये बरीक बेसन आपां लै लैणा आ। बरीक बेसन नूं दाणेदार किवें बनाउणा आ वीडियो दे विच अग्गे मैं सारा कुछ तुहाडे नाल शेयर करूँगी। 2 कौलियां बेसन दे विच 1 कौली आपां खंड दी पाउणी आ। खंड दी जगह ते तुसीं धागे वाली मिश्री दा इस्तेमाल भी कर सकते हो। देसी खंड पानी चाहो तो देसी खंड भी पा सकते हो। एक गल का तुसी ध्यान रखना है कि मिल्क केक बनाने के लिए ये जिहड़ा नाप आ एकदम तुहाडा सही होना चाहिए है, तो तुहाडा मिल्क केक बहुत वधिया बनेगा। इस तो इलावा 1/4 कौली का आपां देसी घिओ पिघला के लिया आ। 1/2 कौली दुध आ, 1/2 कौली पानी आ। 1 छोटा चमचा इहदे विच पावांगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर पाउण दे नाल खुशबू वधिया आऊगी। हुण सब तो पहला असीं बेसन जिहड़ा आ इहनूं असीं दाणेदार बनावांगे, उस तो बाद चाली बना के तैयार कर लांगे। हुण लवांगे आपां इक डोंगा, इहदे विच असीं बेसन छान लैणा आ। हुण बेसन दे विच असीं 2 चमचे घिओ दे पा देने। मिला देंगे जिवें आपां मोयन मिलाने आ, इस तरीके दे नाल हाथ दे नाल इदां मलना है तां कि जिहड़ा घिओ आ सारे बेसन दे विच चंगी तरह मिल जाए। बेसन नूं इदां दोनों हत्थां दे नाल तां मल लैणा है। घिओ नूं मला लिया। हुण 2 चमचे असीं दुध दे पा देणे। फिर चंगी तरह मला लैणा। हुण बेसन दे विच दोनों चीज़ां चंगी तरह आपां मिला लिया। हुण असीं बेसन नूं एक वारी छान लैणा है। सारा बेसन आपां छान लिया, इहनूं आपां बाहर कढ देणा है। बेसन देखो एकदम दाणेदार बन गया। पहला बेसन एकदम बरीक सी, हुण जदों आपां मिल्क केक बनाउणा शुरू करांगे उस तो बाद तुसीं देखियो कि होर भी इहदे विच किन्ना दाणा पै जाणा है। फ्राई पैन दे विच पावांगे खंड, 1/2 कौली पाणी, मिला देंगे। खंड नूं असीं चंगी तरह घोल लैणा है। ते कोई तार दी चाणी बना के आपां तैयार नहीं करनी। जदों खंड पूरी तरह घोल जूगी उस तो बाद इहनूं 1-1.5 मिनट लई आपां उबालना आ। फिर जदों तारा एक बारी हाथ नाल आपां चैक कर लेना आ कि थोड़ा चिपचिपापन जिहड़ा चाणी दे विच आ गया, बस नाल ही फिर आपां गैस बंद कर देनी आ। 1-1.5 मिनट लई उबाल लिया खंड घुलण तों बाद। हुण असीं इहनूं एक बारी चैक कर लांगे कि हत्थां दे नाल चिपकणी शुरू हो गई आ, चिपचिपापन आ गया। गैस आपां बंद कर देनी है। गैस बंद करके चाणी साइड ते रख देनी है। हुण लवांगे फ्राई पैन, बेसन पा देंगे। मीडियम सेक दे उपर 2 तों 3 मिनट लई बेसन नूं असीं बिना घिओ तो भुनना है।
बेसन नूं भुन्नण टाइम लगातार इहनूं हिलांदे रहना है। दो तो तीन मिनट तक बेसन नूं भुन लिया, हुण इहदे विच असीं घिओ पा देना है। मिला देंगे सेक घट रखना है, घट सेक दे उत्ते ही बेसन भुन्नांगे। घिओ नूं चंगी तरह मिला लिया, हुण असीं इहदे विच दो चमचे बरीक वाली सूजी पा देनी। मीडियम सेक दे उपर हुण असीं 10 तों 12 मिनट तक बेसन नूं भुन्नणा है। 7 तों 8 मिनट हो गए बेसन नूं लगातार भुन्नदे होए, बेसन अग्गे नालों थोड़ा जिहा देखो पतला पैणा शुरू हो गया, ते जदों पूरी तरह बेसन भुन्निया जांदा है उदों फुल जांदा बेसन, ते घिओ वी इहने छड्ड देणा है। पहला पन नूं देखण च लगदा सी कि एकदम सुक्या सुक्या है बेसन घिओ का आटा, पर भुन्नण तों बाद घिओ छड्ड दिंदा है। बेसन चंगी तरह भुन्निया गया, घिओ वी छड्ड दित्ता बेसन ने, ते अग्गे नालों देखो बेसन फुल वी गया। हुण इहदे विच असीं 2 चमचे दुध दे पा देणे आ। दुध असीं 2 तों 3 वारी पाउणा आ, पर 2-2 चमचे करके पाउणा आ। दुध पाउण दे नाल देखो किवें दाणा एकदम खिलण लग गया। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਿੱਲੂਗਾ ਬੇਸਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੇਸਣ ਫੁੱਲੂਗਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਟੋਟਲ 6 ਚਮਚੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਆ। एक मिनट तक आपां इहनूं भुन्निया है। दुध पाउण तों बाद एक मिनट तक आपां भुन लिया, गैस हुण घट कर देनी है। इहदे विच असीं इलायची पाउडर पा देना है, मिला देंगे इलायची पाउडर पा के, नाल ही हुण आपां चाणी पा देनी। ਚਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਗੈਸ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੇਅ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਕੇਕ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਟੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਿਓ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਘਿਓ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਦਸ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪੀਸ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1/2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
हुण इहदे आपां पीस कट लैणे। पीस इहदे तुसीं जिवें मर्जी कट सकदे हो, चौरस भी कट सकदे हो, जिवें मिल्क केक दे लंबाई दे विच पीस हुंदे आ उस तरीके दे नाल भी कट सकदे। बेसन का मिल्क केक बन के तैयार आ। मिल्क केक बहुत वधिया बन के तैयार होया आ। एकदम नरम बनया आ ते एकदम दानेदार बनया आ। तुसी इहनू इसे तरीके दे नाल बना के खायो। वीडियो नू प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर करिया करो। चैनल ते पहली बारी आके वीडियो देखते पे हो तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर करके जायो। वीडियो देखने लई बहुत बहुत धन्यवाद।